हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस अनदर कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज, जहां पे मैं संजय आर्य आपका केमिस्ट्री विजार्ड हर बार कुछ ऐसी चीज लाता हूं जिससे आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट चमक जाते हैं। इस बार भी आपके कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा चमकाने के लिए मैं लेके आया हूं लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स के बारे में। हाँ बच्चों, जिन्हें कलेक्टिवली हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, जिन प्यारे से 28 एलिमेंट्स को जबरदस्ती पूरे पीरियड टेबल से बाहर निकाल दिया गया, ये है वो, ये जो डिबार किए हुए हैं, इन सबको कैसे लर्न करें, किस तरह के निमोनिक्स यूज करें, वो मैं आज एक टेक्निक लेके आया हूं। तो प्यारे बच्चों, इट टुक मी अ वाइल, लेकिन देखिए अल्टीमेटली मैं इस कंक्लूजन पे आया हूं कि जो मैंने निमोनिक बनाया वो मुझे वर्ल्ड के बेस्ट लगे, तो वो चीज मैं आपको डिलीवर करता हूं एक छोटी सी कहानी के थ्रू। चलिए स्टार्ट करके देखते हैं क्या है ये कहानी। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये हमारी मॉडर्न पीरियड टेबल है। वाओ ब्यूटीफुल इज इट यार, ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही अच्छी सी लाइब्रेरी की तरह, जहां पे 118 किताबों को फिट कर दिया है हम लोगों ने। चेक करते हैं कि क्या यहां पे हमें पढ़ना है। हमारा टास्क है आज का इन दो लाइंस को लर्न करना। ये दो लाइन जो हम लोग हर बार भूल जाते थे, देखो यार ये तो पूरी दुनिया को याद हो गया है। आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा जो अभी घुटनों के बल भी चल रहा होगा, उसको भी पता होगा, हे लीना करे रब से फरियाद, है ना, बेटा मांगे का स्कूटर बाबरा सी। तो मुझे इनमें और मुझे इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत है एक तो डी वालों में, एक एफ वालों में। देखिए डी भी हम लोगों ने कैसे तैसे कर लिया था, मैंने करवाया था आपको ला हफ्ता वारे सिर पटाऊ होगा काइंड ऑफ, लेकिन प्रॉब्लम हमें इनमें आ रही है, ये दो सर याद नहीं हो पा रहे। प्लस ये 28 एलिमेंट है, ऐसा भी नहीं कि भी थोड़े बहुत हो, 28 एलिमेंट मतलब ऑलमोस्ट 25% एलिमेंट है हमारे पूरे पीरियडिक टेबल के, उसको कैसे कवर करें। तो बच्चों मैं करवा दूंगा, दो छोटी छोटी कहानी सुनाऊंगा और इस कहानी के एंड होने तक पूरे दो मिनट के अंदर अंदर आपका ना पूरा ये दोनों ग्रुप्स याद हो जाएंगे। पहले मैं आपको एक ब्रीफ कर दूं कि हाउ डू वी बेसिकली यूज दीज थिंग्स, हम लोग कैसे इनको प्रोनाउंस करते हैं। ये लेंथेनाइड्स होते हैं बच्चों, बिकॉज दे कम आफ्टर लेंथेनम। देखिए ये आपका जो 39 प्लस 18 57 पे आता है आपका एल ए, जिसे बोलते हैं लेंथेनम, और एल ए प्लस कितने आ जाएंगे आपके पास में 32, तो ये आ जाएगा 89 पे आ जाएगा ए सी एक्टिनियम। तो बच्चों एक्टिनियम के सारे आगे के कहलाएंगे एक्टिनाइड्स और लेंथेनम के आगे के कहलाएंगे लेंथेनाइड्स। जैसे लेंथेनम यहां पे 57 है तो 72 आ गया इसके नेक्स्ट हाफ मियम जो आ रहा है आपका, हाफ मियम जो आ रहा है आपका वो है आपका 72। तो बीच के एलिमेंट कहां गए, 58 से लेके 71 के टोटल 14 एलिमेंट कहां गायब है भैया, वो जो गायब एलिमेंट है वही आपके लेंथ है, उनको सीखना है आज। ऐसे ही नीचे जब आएंगे तो 89 पे एक्टिनियम, तो 90 मतलब थोरियम, 90 से लेके आपके लॉरेंशियम तक LR-103, ये 14 एलिमेंट कहां गायब है। तो प्यारे बच्चों इनको आज सीखते हैं, आज ही के लेक्चर में ये दोनों गैप्स हम फिल कर देते हैं आज फटाफट से दो टेक्निक से। नंबर वन, सबसे पहले मैं आपको सिखाना चाहूंगा कि हम लोग जानेंगे किसके बारे में, 4F सीरीज भी हम लोग इसे नाम देते हैं, या फिर इसे हम लोग बच्चों जस्ट ये लेंथेनम के डायरेक्टली बाद आते हैं, इसलिए हम लोग इनको लेंथेनाइड्स के नाम से भी जानते हैं। लेंथेनाइड्स कहां से कहां तक होते हैं बच्चों, ये 52 से लेके 71 तक एटॉमिक नंबर होता है इनका। ठीक है शुरू करें, एक छोटी सी कहानी आप लोगों के लिए लेके आता हूं। एक गांव था, उस गांव के अंदर बच्चों एक फैमिली थी जहां पे उनको काफी भगवान से प्रार्थना के बाद में दो बच्चे मिले। एक बच्चे का नाम था सेपार, एक का नाम है पमसम। ये दोनों बड़े बदमाश हैं। सेपार और पमसम की बदमाशी को देख के पूरा गांव परेशान था और पूरे गांव ने ऐसे रिक्वेस्ट की गॉड से कि भगवान हम इतने परेशान हो गए कि इनको वापस ले लो। देखो आई एम नॉट बींग अ चाइल्ड, को मैं वो नहीं करना चाह रहा चिल्ड्रन को कि हाँ मैं हेट करता हूं, यस, बट हाँ जस्ट इस एक हाइपोथेटिकल एक स्टोरी है बच्चों ना। तो हम लोगों ने इन बच्चों को भगवान ने रिक्वेस्ट किया भगवान से कि भगवान इनको वापस ले लो। इस कहानी को मैं कैसे लिखूंगा ध्यान से देखो। सबसे पहले तो देखो आपका लेंथेनम, इसको तो हटाई दो। लेंथेनम भले ही डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होता है, उसको रखा कई बार एफ ब्लॉक के साथ जाता है, लेकिन स्टिल दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेंथेनाइड्स। लेंथेनम लेंथेनम के बाद से शुरू होते हैं आपके एफ ब्लॉक के, लेकिन लेंथेनम खुद एक एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। चलिए बात करते हैं लेंथेनम को हटाते हैं। लेंथेनम आपका होता है 57। अब आती कहानी हमारी शुरू होती है यहां से, वो जो गैप था उस गैप में कौन आते हैं। सबसे पहला गैप का मेंबर आता है सीई। सबसे पहला मेंबर कौन है, सीई, सीरियम। सीरियम से शुरू करो तो देखो मैं कैसे याद रखता हूं उसको, सेपार एंड पमसम, ये दो बच्चे हैं, एक का नाम सेपार था एक का नाम पमसम है। उनसे नफरत इतनी हो गई गांव वालों को तो उन्होंने बोला ईयू, दैट लाइक एक्ट ऑफ हेट, ईयू गॉड, गॉड है हमारे गेडोलियम एलिमेंट है, छोड़िए इसको। तब दिए हो या तुम ये भी
लो, यस LU, लुटेशियम। ये जो है बच्चों सारे के सारे 14 एलिमेंट आपको एक ही लाइन में याद हो जाएंगे, बस मेरे साथ याद रखो। कैसे हो जाएंगे ये देखो, 58 से शुरू है, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 71 तक ये एलिमेंट। इनको कैसे याद करा, देखिए CE और PR से क्या बन गया, सेपार। पहले बच्चे का नाम सेपार है, दूसरा बच्चा कौन है भैया, सेपार एंड। इसको एंड क्यों लिख रहे हैं हम लोग, डायरेक्टली मैं इसको एंड ही बना देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। सेपार एंड पमसम, दूसरे वाले बच्चे का क्या नाम है, से हिंदी भी नहीं लिखी जा रही, इतने दिनों बाद लिख रहा हूं, बट हिंदी में मजा आ रहा है लिखने में। देखिए सेपार एंड पमसम, ठीक है बच्चों, सेपार में एक और हो गया, एंड में एक और हो गया, एंड कौन से हो गया, दो, पमसम। EU इज लाइक EU, एन एक्ट ऑफ हेट। EU GD स्टैंड फॉर गॉड। TB इज लाइक तब, दिए, हो। यार, ER इज लाइक यार, तुम, TUM तुम। ये भी इज लाइक ये भी। लो, लो मतलब LU ही लिख दो, लो। इनको वापस ले लो, इस काइंड ऑफ दिस। तो प्यारे बच्चों ऐसा करके हम लोगों को कितने एलिमेंट्स लर्न हो गए हैं, 4F सीरीज के टोटल 14 एलिमेंट्स याद हो गए। क्या थे, सेपार एंड पमसम, ईयू गॉड, तब दिए हो, यार तुम, ये भी लो। इसको करके सीरियम से लेके लुटेशियम तक के 58 एटॉमिक नंबर से 71 तक के सारे लेंथ एंड कवर देखो, चुटकियों में 14 एलिमेंट याद हो गए। क्या बोलती पब्लिक, आया मजा, लाइक ठोक दीजिए स्विच बटन को, लाइक ठोक दीजिए, यस, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। बच्चों सबको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताओगे, देखो कितनी अमेजिंग सी कहानी से संजय सर ने ये ट्रिक हमारे रिवील कर दी। नेक्स्ट जानते हैं हम लोग 5F सीरीज के बारे में बात करेंगे। इसी में बता दें क्या, कचरा तो नहीं हो जाएगा, ठीक है नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नेक्स्ट पेज है ही नहीं। नेक्स्ट आपको सिखाता हूं मैं 5F सीरीज के बारे में, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, मजा आएगा। बच्चों हम लोग सीखेंगे किसके बारे में, 5F सीरीज। तो बच्चों अपने जो F ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वे वैसे D ब्लॉक के जिस बाद आते हैं, D ब्लॉक के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं, और इनका जो ग्रुप माना जाता है वो 3 ही माना जाता है, बिकॉज लेंथेनम के जिस बात आ जाते हैं तो लेंथेनम के साथ ही हमने मान लिया कि उसमें ही एग्जिस्ट करते होंगे, और फिर आउट ऑफ द बॉक्स इनको हम लोग अलग ही रखते हैं, बिल्कुल एकदम पीरियोडिक टेबल से बाहर निकाल के रखते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात कि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो होता था वो आपका होता है NF अगर है, यानी अगर मैं बात करूं N-2F, तो ये बनेगा NS2 और N-1 D आपका रहेगा N-1D 0 to 2, और N-2F जो रहता है वो आपका आता है 1 से लेके 14। तो 1 से 14 तक में सारे आपके एलिमेंट कवर हो जाते हैं। हालांकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना इतने भी आसान नहीं है, बिकॉज काफी सारी जगहों पे एक्सेप्शंस दिखाई देते हैं। चले इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगा। एज ऑफ नाउ एक बार जल्दी से हम लोग दोनों 4F एंड 5 सीरीज को जान लेते हैं। चलिए 5 में जंप मारते हैं। 5 सीरीज में कहां से शुरू होगी, हाँ जी, लेंथेनम के जस्ट नीचे कौन आता था, एक्टिनियम। एक्टिनियम का 89 होता है एटॉमिक नंबर बच्चों, ना मैंने 32 ऐड कर दिया, उसमें 89 बन गया। अब बीच में गैप आ गया, तो गैप कहां से आएगा, थोरियम से गैप आएगा, थोरियम। और थोरियम कितने पे आता है, 90 पे, और 90 से जाएगा कहां पे, ये आपके 103 तक 14 एलिमेंट गायब रहेंगे। फिर आपका 104 क्या बन जाएगा, आपका RF ब्रदर 4DM आ जाएगा, वही डी ब्लॉक का। इसका अपन शुरू करते हैं, देखिए कैसे मैंने याद किया, इस कहानी को सुनना, अमेजिंग सी कहानी है। जैपनीज एक गांव की बात है, जैपनीज एक विलेज था, और जैपनीज ही बच्चे हैं। एक बच्चे का नाम थपायु है, एक बच्चे का नाम नपायु है, थपायु नपायु दो भाई हैं। तो थपायु और नपायु जो है वो लोग बातें कर रहे थे आपस में, उन्होंने पढ़ा कहीं पे कि कोई अमेरिका का CM बैंक है, वो काफी सेफ है, वहां पे इन्वेस्टमेंट करना बड़ा सेफ है। तो बच्चों उसी कहानी को जो उनके पेरेंट्स हैं, उनके पिताजी समझा रहे हैं कि बच्चों थपायु और नपायु सुनो मेरी बात, अमेरिका का CM बैंक सेफ ऐसे, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय नोला, नोला इज समवन, कोई बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट होंगे वहां पे, उन्होंने बनाया उसको। चलिए कर लेते हैं इस बात को, कैसे रिलेट करेंगे, मैं कैसे इसको डील करूंगा। देखिए थपायु नपायु NPPU नेपच्यूनियम प्लूटोनियम, थपायु नपायु अमेरिकन AM, कौन सा बैंक है CM,
बैंक बी के सेफ सी एफ एस एस फॉर्म्ड एफ एम एम डी नोलार नोलार मीन्स एनओ एल आर मीन्स लॉरेंशियम एल आर हो गया भैया 14 एलिमेंट कवर। मजा आ जाता है, मतलब मैं अपनी कहानियों को ही बड़ा एंजॉय करते रहता हूं। तो प्यारे बच्चों अगर मैं इनका नाम देता हूं 90 से आ जाइए 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ये सचिन के 99 के बाद में अपनी हो गई 100 कोहली की, उसके बाद में 101 102 103 बच्चों 103 तक 89 से लेके 90 से लेके 103 तक टोटल 14 एलिमेंट आपके आते हैं जो फायर सीरीज का पार्ट है जिन्हें हम लोग बोलते हैं एक्टिनाइट। तो इन एक्टिनाइट्स का कैसे यूज करना है कैसे बनाना है फटाक से एक बार लिखवा देता हूं आपको, सिंस यहां पे बैठने की जरूरत लग रही है। ये क्या हुआ? यस, मैं एक सेकंड में आपको लिखवा के बता देता हूं। क्या था हमारी कहानी? हमारी कहानी थी थपायु, एक बच्चा था थपायु। थपायु जो है आपका यहां से लेके यहां तक है, पहले के तीन एलिमेंट और दो एलिमेंट को मिला के मैंने बना दिया नपायु, एनपीपीयू यानी आप बोल दीजिए इसको नपायु नपायु, ठीक है ना, थपायु नपायु। अमेरिकन, एएम स्टैंड्स फॉर अमेरिकन, सीएम इज लाइक कैपिटल सी कैपिटल एम, सम काइंड ऑफ सीएम कैबिनेट मिनिस्टर काइंड ऑफ बैंक है वहां पे, बैंक सेफ ऐसे फॉर्म्ड फॉर्म्ड देखिए देखिए एफ एम एम डी फॉर्म्ड ये दोनों मिलके आगे आपके ये दोनों मिलके फॉर्म्ड किसके बाय फॉर्म्ड बाय नोलार एन ओ एल आर से बन गया नोलार फॉर्म्ड नोलार। नाउ यू मे रिवाइज इट, इस वीडियो को वापस से देखिए एंड रिवाइज कीजिए और खुद से इस टेक्निक को अप्लाई कीजिए, ट्राई कीजिए हाउ डज इट वर्क, क्या ये आप लोगों के लिए वर्दी है। दो प्यारी प्यारी छोटी छोटी कहानियां, हंसी मजाक की कहानियां, प्यारे प्यारे नीट और जेई के बच्चों के लिए, इसको प्लीज गो थ्रू करें बच्चों। 5F एंड 4F सीरीज जो आपकी होती है जिन्हें एक्टिनाइट एंड लेंथेनाइट रिस्पेक्टिवली बोलते हैं, इनके सारे एलिमेंट लर्न कीजिए 28 एलिमेंट विद दिस ट्रिक एंड स्टे ट्यून ओनली ऑन बायोटोनिक वेदांतु। सी यू सून विद आवर नेक्स्ट अमेजिंग टेक्निक। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।